नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाद, खाज, खुजली के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, दाद, खाज, खुजली एक संक्रमण का वाला रोग है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति के किसी चीज़, कपड़ों या फिर उसको हम डायरेक्ट उसको टच करते हैं या उसके संक्रमण में आते हैं, तो यह जो निरोगी व्यक्ति होता है वह वहाँ तक भी यह रोग पहुँच जाता है। तो दोस्तों, इसे और अन्य नाम से भी जानते हैं, चिकित्सकीय भाषा में इसे टीनिया कहते हैं। इसके अलावा दाद को रिंगवार्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम बताएंगे आज आपको कि दाद क्यों होता है, दाद के टाइप्स कौन से हैं और घरेलू उपचारों के द्वारा इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक फंगल संक्रमण होता है। दाद के कारण रोगग्रस्त व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको घरेलू उपचार बताएं, उससे पहले हम इसके प्रकार क्या हैं वह जान लेते हैं और यह क्यों होता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हैं। अत्यधिक मीठा खाने से, नमकीन, बासी भोजन, दूषित आहार और साफ़ सफाई की कमी के कारण कफ या कफ दोष असंतुलित हो जाता है। इससे त्वचा पर खुजली, जलन, लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और फिर बाद में यह दाद का रूप ले लेता है। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली भी चार प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, हम वह आपको शॉर्ट में बताते हैं। पहला है टीनिया क्रूरिस। यह जोड़ों, आंतरिक जांघों और नितंबों के आसपास की त्वचा पर होता है। दूसरा होता है दोस्तों टीनिया कैपिटिस। यह दाद सिर की त्वचा में होता है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह सामान्य रूप से स्कूलों में फैलता है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके संक्रमण से किसी दूसरे बच्चे को हो जाता है। इससे शरीर के कुछ हिस्सों में गंजापन दिखने लगता है। दोस्तों, तीसरा टाइप होता है दाद, खाज, खुजली का, टीनिया पैडिस। यह दाद पैर की त्वचा पर होता है। सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पांव जाने से इसका खतरा बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, चौथा और अंतिम प्रकार होता है टीनिया बार्बी। यह चेहरे की दाढ़ी वाले स्थान पर या फिर गर्दन के आसपास होता है। इसके कारण कई बार बाल भी टूटने लगते हैं। सामान्य तौर पर यदि हम नाई के पास दाढ़ी बनवाते हैं तो उसके कारण यह संक्रमण हो जाता है, इसलिए इसे बार्बर इच भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह हमने चार टाइप आपको बताए हैं, ये क्यों होता है ये हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि दाद से कोई परेशान है, दाद, खाज, खुजली से, तो घरेलू उपचारों के द्वारा हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कटुज बहुत ही लाभकारी होता है त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने के लिए। कटुज की छाल को हमें उबाल लेना चाहिए और फिर इससे हमें नहाना चाहिए या फिर इसको उबालकर इसके पानी का यूज करना चाहिए। जहाँ पर दाद हो रहा है, खाज खुजली हो रही है, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा नीम का जो रस है उसको एक चम्मच ले लें, या फिर नीम का जेल एक चम्मच ले लें, या फिर नीम ऑयल एक चम्मच ले लें, उसमें एक चम्मच नारियल का तेल मिला लें। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिला के रुई के साथ इसका यूज करना चाहिए दाद वाले स्थान पर, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा दो चम्मच नारियल का तेल ले लें, इसमें दो चम्मच कपूर मिला लें, कपूर को बारीक कूट के पीस के और फिर इसमें मिलाएं। इसके बाद नींबू थोड़ा सा रस मिला लें, दो चार पाँच बूंद नींबू के रस की मिला लें। इनको अच्छे तरह से मिला के दाद वाले स्थान पर, खुजली वाले स्थान पर आप लगाएँ तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, दाद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा सरसों का तेल ले लें, उसमें एक लहसुन जो है उसको कूट कर पीस कर अच्छे से मिला लें। अगर आप अधिक मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा तेल ले लें सरसों का और उसमें दो चार पांच लहसुन की कलियां आप डाल लें पीस के और उसको गर्म करके, ठंडा करके शीशी में भर लें। अब इसकी मालिश आपको शरीर पर करनी चाहिए, इससे दाद, खाज, खुजली जो है वह दूर हो जाएंगे और भविष्य में भी नहीं होंगे। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली अगर पूरे शरीर पर फैल गया है तो आप वैसलीन ले लें, चार पाँच चम्मच वैसलीन ले लें, उसमें लहसुन आप पीस के दो चार कलियां लहसुन की पीस लें और उसमें मिला लें और उसके बाद उस वैसलीन को शरीर पर आपको लगाना चाहिए और लगाने के बाद आप थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से नहाएं और साबुन का यूज नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा दाद, खाज जो सर में हो रहा है,
तो उसके लिए आप 25 ग्राम पिसा हुआ लहसुन ले लें, 50 से 100 ml आप पानी ले लें और 100 ml ही आप जो है सरसों का तेल ले लें। इनको सबको मिला लें। अब इनको गर्म करें जब तक पानी उड़ ना जाए, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बाद में जो सरसों का तेल बचेगा और लहसुन बचेगा उसको आप शीशी में भर लें, एक बोतल में भर लें, और इसकी मालिश आपको करना चाहिए जिससे आपके शरीर पर जो रोग हैं दाद खाज खुजली वह दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल का उद्देश्य आपको बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। यदि आप भी हमारे इस काम में सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। नीचे बने शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसे शेयर करें, यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। लहसुन को मैदे की तरह बिल्कुल बारीक पीस लें और उसमें शहद मिला लें। अब दिन में 3 से 4 बार इसका दाद वाली जगह पर यूज करें, इससे दाद बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा 25 ग्राम नीम का रस सुबह पानी में मिलाकर खाली पेट आपको पीना चाहिए। इससे आपका जो खून साफ़ होगा, खून में जो खराबी है जिसके कारण दाद खाज खुजली होते हैं वह भी दूर होंगे। कम से कम 8 से 10 दिन तक इसका प्रयोग करें, आपको फ़ायदा खुद ब खुद दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा खुजली होने पर नीम का तेल या नीम की निबोली को पानी में पीसकर लगाएं, इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा नीम के सूखे पत्तों को जलाकर और उसकी जो राख होती है उसको आप दाद वाली जगह पर लगाएं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा नीम की गीली लकड़ी को जलाएं। जब गीली लकड़ी को आप जलाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, उस पानी को आपको दाद वाली जगह पर लगाना है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा नीम के पत्तों को दही में पीसकर आपको दाद पर लगाना है, दाद खाज खुजली जहाँ पर है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ उपाय बताए, दाद खाज खुजली क्यों होता है उसके कारण बताए और ये कितने प्रकार का होता है ये बताया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम और उपाय बताएंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचाएं, इसको शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।